हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन रेलवेज़ फ़ैन क्लब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किंग ऑफ ऑल राजधानीज़ मुंबई राजधानी के बारे में। इस वीडियो में हम उसकी हिस्ट्री को जानेंगे और समय के साथ आए हुए ट्रेन के में बदलाव को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई राजधानी का इनॉग्रल हावड़ा राजधानी के बाद 17 मई 1972 में हुआ था। ट्रेन महाराष्ट्र के बॉम्बे सेंट्रल को न्यू दिल्ली से कनेक्ट करती थी। बॉम्बे सेंट्रल को आज आप मुंबई सेंट्रल के नाम से भी जानते हैं। ट्रेन के शुरुआत के समय ट्रेन ICF कोचेस की थी। ट्रेन में 1 AC, 2 AC, AC चेयर कार और पेंट्री कार को मिलाकर टोटल 16 कोच होते थे। ट्रेन को 2004 में LHB कोचेस की कर दिया गया और नंबर ऑफ कोचेस 19 हो गए। कुछ ही समय बाद 2012 में ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को एकोमोडेट करने के लिए ट्रेन की कोचेस की संख्या को 21 कर दिया गया। शुरुआत के दिनों से लेकर अब तक ट्रेन अपने रूट की सबसे VIP ट्रेन है, जिसे मुंबई से नई दिल्ली के बीच में प्रायोरिटी दी जाती है। ट्रेन को VIP ट्रीट किया जाता रहा है। शुरुआती दिनों में ट्रेन के हर कोच में गार्ड्स होते थे, लोगों को वेलकम करने के लिए अटेंडर होता था, कोच के फ्लोर में कारपेट बिछे हुए थे रेड कलर के, और ट्रेन के कोच के इंटीरियर स्पेशली डिज़ाइन थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम्फर्ट लोगों को पहुँचाया जा सके। उस समय करंट रिजर्वेशन ना होने के बावजूद मुंबई राजधानी का चार्ट 15 मिनट पहले ही बनाया जाता था, जिससे लास्ट मोमेंट में भी डिसीजन लेने वालों को काफ़ी सुविधा होती थी। ट्रेन सितंबर 2000 तक वीक में केवल 6 डेज चलती थी, जिसे बाद में डेली कर दिया गया। पुराने समय की मुंबई राजधानी टोटल 1385 किलोमीटर के लिए 19 hours 5 minutes लेती थी, जो कि बाद में ट्रैक्स के इम्प्रूवमेंट और इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद अब समय 15 hours 35 minutes रह गया है। जब ट्रेन ICF कोचेस की थी तो इसकी स्पीड लिमिट 120 km/h थी, जो कि अब 140 km/h कर दी गई है। 1972 में मुंबई राजधानी में ट्विन WDM 2A लगते थे बॉम्बे से लेकर न्यू दिल्ली तक। 1987 में ट्रेन में WCAM 1, जो कि AC और DC दोनों ट्रैक्स में चल सकता था, और WCAM 2 या 2P लगने लगा, क्योंकि 1986 तक AC और DC ट्रैक्स पिछ चुके थे। 2012 में मुंबई के DC ट्रैक्स के AC कन्वर्ट होने के बाद मुंबई राजधानी में गाज़ियाबाद का या वडोदरा का WAP 7 और WAP 5 लगना शुरू हो गया। अब ट्रेन एंड टू एंड WAP 7 से चलती है। ट्रेन शुरू से ही मुंबई से लेकर नई दिल्ली के बीच में फास्टेस्ट कनेक्टिविटी रही है। ये भारत की सबसे तेज राजधानी है और इसको 140 km/h तक की स्पीड में चलने की परमिशन है। तो चलिए बात करते हैं ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और ट्रेन की कोच पोजीशन के बारे में। मुंबई राजधानी, जिसका ट्रेन नंबर 12591 है, इसमें टोटल 11 AC 3 टायर कोचेज हैं, एक फर्स्ट AC का कोच है, 5 2 AC के कोच हैं, एक पेंट्री कार है और 2 जनरेटर कार हैं। इसमें वडोदरा का WAP 7 लोकोमोटिव लगता है। ट्रेन मुंबई सेंट्रल से शाम 5 PM चलती है। बोरीवली ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप है, जहां ट्रेन 5:30 पहुंचती है। सूरत ट्रेन के स्टॉपेज में रात 7:53 PM आता है। वडोदरा ट्रेन रात 9:18 PM पहुंचती है। रतलाम ट्रेन नेक्स्ट डे रात 12:40 AM पहुंचती है। नगदा जंक्शन ट्रेन रात 1:20 AM पहुंचती है। कोटा ट्रेन के रास्ते में सुबह 3:20 AM आता है और ट्रेन न्यू दिल्ली, जो कि इसका डेस्टिनेशन है, सुबह 8:35 AM पहुंच जाती है। जैसा कि मैंने लोगों से पता किया, ट्रेन पंक्चुअल है, ट्रेन क्लीन है, ट्रेन को इसके रूट में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ट्रेन का फूड काफ़ी अच्छा है, स्पेशली जैन मील्स। समर और विंटर हॉलीडेज़ को छोड़कर ट्रेन में सीट अवेलेबिलिटी भी काफ़ी ईजिली मिल जाती है। ट्रेन को किंग ऑफ राजधानीज भी कहा जाता है। अगर आपने इस ट्रेन में ट्रेवल किया है तो अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर बताई हुई डिटेल में कुछ चेंजेस हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने वीडियोस और फोटोज शेयर कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आप मुंबई राजधानी के हाई स्पीड एक्शन की क्लिप को एंजॉय कीजिए। तो हम फिर मिलते हैं।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।